चीन के वुहान से शुरू हुआ कोरोना वायरस अब रूस में बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है। अमेरिका और ब्राजील के बाद अब रूस कोरोना महामारी का केंद्र बन गया है। तबाही के मामले में रूस दुनिया में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वही इस देश में बिगड़ते हालात के बीच राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने दुनिया को चौंका दिया है। राष्ट्रपति पुतिन ने ऐलान किया है कि कोरोना संकट के बावजूद दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत को सेलिब्रेट किया जाएगा। साथ ही पुतिन ने विजय दिवस के 75वें सालगिरह पर रूस में भव्य सैन्य परेड के आदेश भी दिए हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने अपने रक्षा मंत्री को भव्य समारोह की तैयारी के लिए कह दिया है। ये परेड 24 जून को मॉस्को के रेड स्क्वायर पर होगा। हालांकि कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद पुतिन ने 9 मई को होने वाली रूस की पारंपरिक विजय दिवस परेड को रद्द कर दिया था। इन सब के बजाय रूस ने क्रेमलिन के ऊपर से सैन्य विमानों के उड़ान भरने के आदेश दिए थे और माल्यार्पण समारोह आयोजित किया था। दरअसल विजय दिवस समारोह पूर्व सोवियत देशों के लिए खास मौका होता है, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में सोवियत यूनियन ने अपने 2.6 करोड़ नागरिकों को गवा दिया था। रूस हर साल नाजी जर्मनी की हार के दिन भव्य परेड का आयोजन करता है। ये सैन्य परेड दुनिया के सबसे भव्य परेडों में से एक होता है। इस परेड में लाखों सैनिक शामिल होते हैं। साथ ही रूस अपने आधुनिक हथियारों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करता है।